रखा गया और यहाँ पर युवाओं को अवार्ड दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी किसी व्यक्तित्व को जो नहीं है, उनका व्यक्तित्व को अगर लोगों के सामने ले जाने का एक सफल प्रयास है। ठाकुर उदयराज सिंह जी को आज की पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन उन पीढ़ियों ने जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको समझा है, अलग अलग क्षेत्रों से समाज के लोग जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहन देने का काम, आदित्य चौहान जो उनकी बेटी के बेटे हैं, आदित्य चौहान अपने नाना के नाम आज कार्यक्रम रखा है। आज यहाँ के सम्मानित विधायक हमारे संजय केलकर जी हैं, दूसरे बारे सम्मानित विधान परिषद के सदस्य निरंजन डावखरे जी हैं, संदीप लेले जी हैं, बाबू बीएन सिंह नेहरे उनके पुत्र जेपी सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित समाज के लोग थे। एक उनके सम्मान में कई लोगों को पारितोषिक दिया गया और हम चाहते हैं कि प्रोत्साहन आगे भी चलता रहे। नहीं, मुंबई में जरूरत थी उस समय, बाबू आर्य सिंह नहीं रहे, अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम सब लोग पूरा एमएमआरआई में जाते थे, लोगों से मदद ले बन गया, लेकिन अब जरूरत है कि यहाँ एक हिंदी भाषी भवन बने, उत्तर भारतीय समाज का एक कार्यक्रम और कई न कई कार्यक्रम होते रहे, चाहे एजुकेशन संबंधित हो चाहे सामाजिक संबंधित हो। सर, आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उत्तर भारतीयों के लिए है रेलवे, क्योंकि देखा जाए 4 महीना पहले वेटिंग टिकट निकाला जाता है और 4 महीने बाद पता चलता है कि वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसे में उन लोगों को चालू टिकट पे जाना पड़ता है या तो रद्द करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि वेटिंग डब्बा बनाया जाए, उसमें जोड़ा जाए। मैंने इसमें बात की, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री से मिला, संयोग से चुनाव के महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं। एक ट्रेन 2 महीना पहले मऊ से लेकर के यहाँ तक चलाई गई मुंबई तक, उसको वीकली करने का आश्वासन दिया है, 5-6 दिन हो जाएगा, और एक निर्णय और लिया है कि हर गाड़ी में 2-4 डब्बे जितना बढ़ा सके कैपेसिटी आप बढ़ाएं, और वंदे भारत ट्रेन और तेजस जैसी ट्रेन चलाई जाए, प्रिंसिपली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सैद्धांतिक रूप इसको करेंगे, लेकिन वंदे भारत की ट्रेन अभी बन रही है और कुछ जैसे जौनपुर जगह है, यहाँ मुंबई थाना में हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है, तो जौनपुर में यार नहीं था, जौनपुर स्टेशन बहुत छोटा था, वहाँ पर एक्सपांशन का काम चल रहा है, जैसे पूरा हो जाएगा वैसे वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जो एक ट्रेन थी उसको नियमित शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर हर एरिए के लोग रहते हैं, उत्तर भारत के बंगाली या महाराष्ट्र के सब लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं सुना गया कि यहाँ पर मुंबई को मिर्जापुर बनाने की बात किसी ने बोली है, ऐसे में आप जो मिर्जापुर बनाना चाहते हो उनको क्या कहना है? नहीं, लोगों को ज्ञान कम रहता है, जिनको मालूम नहीं कि मिर्जापुर में तो सिर्फ देश के वासी नहीं, पूरे विश्व के लोग वहाँ पे विंध्यवासिनी का दर्शन लेने जाते हैं, तो ये देवी की भूमि है मिर्जापुर, तो ये गलत है। उन्होंने अभ्यास कम पड़ता है तो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं और लोगों की भावना जो है वो दुखी हो जाती है। और यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है, लोगों को अवार्ड दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा उपक्रम है, और जिस व्यक्ति यहाँ पे उनका स्मरण करना चाहिए वो तो अवार्ड दे के उन्होंने जो कार्य किया हुआ है सामाजिक और रोजगार के लिए, तो उसका भी स्मरण होता है, और अवार्ड देने से जिनको अवार्ड मिलता है वो भी आगे चलने के लिए उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहता है। आखिर में जो हम काम करते हैं तो कोई ना कोई देख रहा है और अपने को प्रोत्साहन दे रहा है अवार्ड के माध्यम से, तो उसको और शक्ति आती है और समाज में अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ है। ये मेरे नाना जी ठाकुर उदयराज सिंह, उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए काफ़ी काम किया था, और हमारे पूर्व गृह मंत्री और उत्तर भारतीय के जाने माने नाम श्री कृपा शंकर जी, उन्होंने
मेरे अच्छे संबंध है उनसे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना के नाम पर कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो हमेशा बोलते हैं कंटिन्यूटी विद चेंज, तो जो मेरे काम जो मेरे नाना ने किया था वो आगे करना मेरा कर्तव्य है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज इस मौके पे उत्तर भारतीय भवन की बात हुई, जो ठाणे जिला का एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये होता है तो यहाँ के उत्तर भारतीय समाज को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर परिश्रमी और प्रभावशाली ऐसे उत्तर भारतीय हैं और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जिले में बिल्कुल भवन बनना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे नाना के एक स्मृति के एक कार्यक्रम के दिन इस बार ये बात छिड़ी है। तो मैं एक बार जितने भी यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर आमदार संजय केलकर जी, आमदार निरंजन डावखरे जी और तमाम जो गेस्ट आए थे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और जितने भी लोगों का अवार्ड मिला है उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलते। सर मेरा सवाल एक और है कि जैसे अभी उम्र में आप समाज सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिजी रहते हैं, वैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे समाज सेवा के लिए? फेसबुक पे क्या करते हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते रहते हैं, उसको समाज से जुड़े ये बहुत जरूरी है। जो देश का भविष्य है वो नई पीढ़ी है और वही देश को आगे लेके जाएगी। तो मैं सभी युवाओं को बोलूंगा कि थोड़ा बहुत टाइम यहाँ वहाँ देना ठीक है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए काम करना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर किसी के लिए। ठाणे जिला के ज्यादा करके लोग थे। बिल्कुल 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 करेंगे। चलो।